रंगपंचमी पर इंदौर में जहां अलग अलग सामाजिक संगठनों की गेर निकलेगी, तो वहीं हर बार की तरह इस बार भी हिंद रक्षक संगठन की फाग यात्रा अनूठा संदेश देगी। नरसिंह बाजार से निकलने वाली इस फाग यात्रा में 101 भगवा ध्वज वाहिनी सबसे आगे चलेगी। इसके बाद मातृ शक्ति भगवान कृष्ण के रथ की कमान संभालेगी। हिंद रक्षक संगठन के एकलव्य सिंह गौड़ के मुताबिक रंग पंचमी पर निकले जाने वाली राधा कृष्ण फाग यात्रा के लिए टेसू के फूलों से इको फ्रेंडली रंग तैयार किया गया है। कार्यकर्ताओं ने टेसू के फूलों से 12,000 लीटर रंग तैयार किया है। खास बात तो ये है कि मानपुर और चोरल के आसपास के जंगलों से हिंद रक्षक के कार्यकर्ताओं ने ही टेसू के फूल जुटाए हैं। महापौर मालिनी गोड़ ने भी इस परंपरागत फाग यात्रा के बारे में जानकारी दी। कल 10 बजे बद्रीनारायण मंदिर नरसिंह बाजार से ये यात्रा निकलेगी। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करती हूँ इस यात्रा में पधार कर इस होली के बहुत ही सुंदर त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। उसमें हमने अरारोट के कलर रखे हैं ताकि किसी की भी त्वचा पर बुरा असर ना पड़े। हमने जंगलों से टेसू के फूल मंगवाए हैं। आज रात को वो फूलों से कलर बनाया जाएगा। हमारे सभी कार्यकर्ता जंगलों में जाते हैं चापड़ा के और वहाँ से टेसू के फूल लाते हैं। भजन मंडलियाँ होती है, राधा कृष्ण का रथ तैयार हो गया, राधा कृष्ण का रथ होता है, भजन मंडलियाँ होती है और सभी नाचते गाते बड़ी संख्या में पुरुष वर्ग होते हैं तो बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी होती है और मातृशक्ति रथ को खींचते हुए आगे बढ़ती है और इस बहुत ही सुंदर पावन पर्व को हम मनाते हैं। कुल मिलाकर परंपरागत फाग यात्रा में हिंद रक्षक संगठन के कार्यकर्ता इको फ्रेंडली तरीके से होली मनाने का संदेश देते हुए नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।